जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिमस्खलन की चपेट में आने से जिला कांगड़ा के कास्बा सिहाल के शहीद लांसनायक सपन चौधरी का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सिख रेजिमेंट की ओर से उन्हें सलामी दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिमस्खलन की चपेट में आने से जिला कांगड़ा के सिहाल के शहीद लांसनायक का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। शुक्रवार सुबह सपन चौधरी का शव तिरंगे में लिपटा उनके पैतृक गांव पहुंचा। इस दौरान पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। प्रशासन की तरफ से एसडीएम बलवान चंद, डीएसपी ज्ञान चंद के अलावा इलाके के सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदाई दी। गौरतलब है कि शहीद सपन चौधरी गुरुवार सुबह अपने एक अन्य साथी के साथ पुंछ में गश्त पर थे कि तभी हिमस्खलन की चपेट में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बर्फ से बाहर निकाला गया, लेकिन सपन चौधरी ने थोड़ी देर बाद ही दम तोड़ दिया। वहीं सपन चौधरी के दूसरे साथी की हालत ठीक बताई जा रही है। शहीद अपने पीछे दो बेटे और पत्नी छोड़ गया है। सपन कुमार के आकस्मिक निधन के लिए जो है वो यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं इनके अंतिम संस्कार में, और इनकी जो बहुत दुख था, ये एक मृत्यु हुई जो भारतीय सेना में कार्यरत थे और भारतीय सीमा की जो थी वो रक्षा कर रहे थे। तो जो जहाँ पे कोई ग्लेशियर या अवलांचीज आया उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई, और हमारे को पता था, और पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनके अंतिम संस्कार में हम शामिल हुए, और इनकी आत्मा के लिए हम यहाँ पे शांति चाहते हैं। और जहाँ इनके परिवार वालों से मैं मिल चुका हूँ खुद भी, और पूरी सांत्वना जो हमने हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से इनको दे दी है, जो भी आने वाले समय में जो भी इनके परिवार के लिए सहायता होगी वो हम करेंगे। सिटी चैनल के लिए कांगड़ा से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।